भाई 40 से 50 ऐसी हार्ड डिस्क जो है वो मैंने स्टोर करके रखी हुई है। पिछले 5 साल से भाई मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड डेटा आपको पता ही है भैया कितना हम यूट्यूब पे बनाते हैं और कितना डालते हैं। बस मेरे साथ क्या है कि जितना भी डेटा मैं बनाता हूँ ना भाई सबको मैं सेव रखता हूँ, तो इसलिए आज से 5 साल 4 साल पुरानी वीडियोज भी ना मेरे पास इन वाली हार्ड डिस्क में आज तक स्टोर पड़ी है। और इसमें तो अभी कम है भाई, ऐसी ना 5-5 TB की लगभग मेरे पास 30 से 35 हार्ड डिस्क है, यानी टोटल में आप लगा लो 150 से 200 TB का मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है अपनी वीडियोज का। और अब तो भैया अपनी टीम बन चुकी है, पहले 5 चैनल्स थे, अब टोटल हमारे 14-15 चैनल्स हो गए हैं, तो और ज्यादा डेटा जो है वो बनता रहेगा, इसलिए भाई इतनी सारी हार्ड डिस्क अलग अलग लेके मैं कहां तक घूमूंगा, है ना। दूसरी चीज भाई ये वाली जो हार्ड डिस्क होती है ना बहुत जल्दी करप्ट हो जाती है, जरा सा अगर पटक दिया आपने तो मतलब टाटा भाई भाई समझ लो सारा डेटा गया। तो इस सब के सोल्यूशन के लिए ना मैंने सोचा चलो एक NAS खरीदते हैं जो कि भाई नेटवर्क अटैच स्टोरेज। जब हमने पता किया तो भैया उसका प्राइस देख के हमारे होश उड़ गए कि इतना महंगा, बट क्या करे भाई लेना तो था ही, फ्यूचर में भी बैकअप रखना है अपना सारा और डेटा भी सेफ रहना चाहिए। प्लस में इतने सारे एडिटर हो गए सबको अलग अलग SSD लगा के दो PC में या फिर एक्सटर्नल SSD लेके दो तो वो भी महंगा पड़ेगा, उससे अच्छा एक ही NAS से सब एडिटर यूज कर पाए वो सही था। तो इसलिए हमने खरीदी भाई 200 TB स्टोरेज की एक NAS। 200 TB का मतलब हो गया भैया 2,00,000 GB MB में कन्वर्ट करने के लिए, अब और मल्टीप्लाई कर लेना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये पूरी वीडियो NAS से रिलेटेड होने वाली है, एंड तक आपको पूरा दिखाऊंगा, अगर कोई लगाने की सोच रहा है तो ये वीडियो देखते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई NAS लगाने के लिए आपकी 10G की केबल भी बिछी होनी चाहिए पूरे ऑफिस में, तो वो हमने पहले काम करवाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि के है हनीगेन। तो अगर भाई आपके भी घर में वाईफाई लगा हुआ है या फिर आपके पास अनलिमिटेड डेटा वाला इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपना इंटरनेट हनीगेन को रेंट पर देके भाई पैसा कमा सकते हो, एंड उस कमाए हुए पैसे से अपने मोबाइल के बिल्स, DTH के बिल, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के बिल भर पाओगे, मतलब घर वालों से भैया पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं। अपना इंटरनेट आपको बस हनीगेन को देना है और आप भाई बिना एफर्ट्स के घर बैठे बैठे ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले भाई आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐप डाउनलोड कर लेनी है हनीगेन की अपने विंडोज प्लेटफॉर्म पे, मैक ओएस वाले प्लेटफॉर्म पे या फिर अपने एंड्रॉइड फोन पर। उसके बाद भाई स्क्रीन पर दिए गए कूपन कोड को आपको यूज करना है साइन अप के टाइम पर, जिससे कि आपको मिलेगा भाई फ्री के $5। एक बार हनीगेन को आपने अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया है, मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, उसके बाद से वो अपना काम शुरू कर देता है। हनीगेन आपके इंटरनेट को यूज करेगा एंड गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन वेब की, ना कि भाई आपकी, इसलिए भाई ये ऐप बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भाई ये मौका आप बिल्कुल भी मत गंवाना, अभी हनीगेन की ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज कर लेना, फ्री के भाई $5 मिल रहे हैं आपको। और जैसे ही आपके कुछ डॉलर जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे हनीगेन की ऐप पे, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो पेपाल के थ्रू, तो एक्स्ट्रा कैश इनकम जनरेट करने के लिए भाई अभी के अभी यूज करो हनीगेन को। तो भैया आज वायरिंग का सारा काम चल रहा है, 10G की वायर बिछा रहे भैया हम पूरे उसमें, तो सारे पोर्ट अपने 10G के मिलेंगे ना। अब इन शॉर्ट देखो हमने ना 10G के पोर्ट तो सब में बिछवा दिया, लेकिन जो स्विच होता है ना वो स्विच 10G का सिर्फ 12 यूजर के लिए लगवाया है, जो 8 यूजर यहाँ बैठेंगे, 3 वहां पर और 1 मेरे कैबिन में, तो 12 यूजर यही ही 10G यूज कर पाएंगे। बाकी जो है ना वो केबल तो देखो यही है, 350 मीटर आता है, 350 मीटर कुछ 12-13 हजार रुपए का, 305 है हाँ, तो 12-13 हजार रुपए का है ये, पर ये सारी केबल जो है ना 10G वाली है। तो इन शॉर्ट इन वाले वर्क स्टेशन में भी ना 10G ही लगवा रहे हैं, बट स्विच जो है ना वो यहाँ पर लगवा रहे हैं 1G का, तो ये जो यूजर होंगे वो डायरेक्ट एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे अपने कंटेंट राइटर बैठ जाएंगे, थंबनेल वगैरह वाले बैठ जाएंगे और नॉर्मल यूजर बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये जो सारे है ये सब 10G है भाई साहब, मतलब एडिटर डायरेक्टली हमारी NAS से एडिट कर पाएंगे तगड़ी वाली। तो भैया जो है ना भाई साहब बहुत एक्सपीरियंस है, कितने साल हो गए आपको? 6 साल। किस किस का करा आपने यहाँ दिल्ली गुड़गांव में? टेक वार का, टेक वर्नर का। अच्छा उन दोनों के आप नहीं सेटअप करे NAS? हाँ जी सर। हमारे भी आप ही कर रहे हो, चलो बढ़िया, हमारा भी बिजनेस मतलब उनकी तरह ऐसे फल फूल जाएगा मस्त। चलो सही है भैया, लक्की निकलेंगे अपने लिए। The next day, ऑलमोस्ट वायरिंग का काम हो गया, कल से शुरू किया, कल से ही किया था ना आपने शुरू? हाँ जी सर, कल से शुरू किया था, आज खत्म हो जाएगा वायरिंग का? वायरिंग सर आज डन है। आज डन हो जाएगी, फिर अपना 1-2 दिन में, वैसे तो सैटरडे संडे आ रहा है, शायद मंडे तक अपनी NAS भी आ जाए, वो आप अनबॉक्सिंग देख ही लोगे। वायरिंग से अगला प्रोसेस है भाई ये IO लगाने का, ये बेसिकली जहां पे भी यूजर बैठेगा उस केबल के एक एंड पे और जहां से केबल स्विच में कनेक्ट हो रही है दूसरे एंड पे, तो वो जो हम आगे पोर्ट देखते हैं ना मेन वाला वो है ये। तो इस तरह से अगर हमारे 18 यूजर है तो ये 36 लगेंगे है ना टोटल? हाँ ठीक है, तो ये इन्हें IO कहते हैं। इसके अलावा जो वायरिंग है ना उसके दोनों एंड में ये पैच कोड लगाए जाते हैं, इनको पैच कोड बोलते हैं, ताकि ये जो है वो इसमें कनेक्ट होगा और जो दूसरे वाला एंड है ये अपने सिस्टम में होगा, है ना। तो ये पैच कोड भी हमारे 36 ही लगेंगे अगर 18 यूजर है हिसाब से, है ना। ठीक है, और क्या इसके अलावा? अच्छा ये हमारी पैच कोड हो गई, ये हो गया पैच पैनल जो हमारे रैक में लगेगा मेन। अच्छा ये जो है इसका सारा डिवाइस यहाँ पे आएंगे,
आईओ जो है वो एक पीस इसमें लगेंगे, एक 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 एक, और एक हमारे लगेंगे वर्क स्टेशन में, है ना। तो वर्क स्टेशन जो बने हुए हैं ना, ये देखो, ये यहाँ पर लगेगा हमारा आईओ, और इसमें फेस प्लेट भी आएगी। वो दिखा दो, फेस प्लेट क्या होती है, ये देखो भाई, इसको कहते हैं फेस प्लेट। अब ये क्या करोगे आप भैया, ये लगाओगे इसमें पहले अपना वो आईओ, आईओ लगाओगे ना। देखो आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, भैया ने पहले इसमें लगाया आईओ, यहाँ पे फिट हो गया। उसके बाद ये फेस प्लेट लगेगी हमारे वर्क स्टेशन में, यहाँ पे यूं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी केबल है, ये वाली नहीं है एक्चुअल में, हमारी वो केबल है, तो उसका जो एंड होता है ना वो नॉर्मल होता है। अब इसको काट के भैया ऐसा डिवाइस लगाएंगे, इसे क्या कहते थे, पैच कोड लगाएंगे। ये पैच कोड में से एक जो है वो लगेगा हमारा यहाँ फेस प्लेट पे, इधर कुछ इस तरह से, और इसका जो दूसरा साइड है ये आ जाएगा अपने सिस्टम में, है ना। तो ये हमारी कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। अच्छा, ये जो है ये अपना रैक में लगा, तो इसका कनेक्शन जो आएगा वो हमारे इसके साथ वर्क स्टेशन के साथ आएगा। ओके, ठीक है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप आप समझ गए होंगे, हमने आराम से आसान शब्दों में भैया के साथ मिलके समझा दिया। अब इसके अलावा हमारा भैया रैक आना है, जो मेन वो लगेगा जिसके अंदर नैस आनी है, और एक 10G का स्विच आना है, और एक 1G का स्विच आना है। तो जैसे ही वो आएंगे आपको इसी वीडियो में हम आगे अपडेट करते जाएंगे, और कॉस्टिंग भी ना सब चीजों की मैं आपको एंड में बताऊंगा एक एक हिसाब से, कि कितने पीसेज हमें लगवाने पड़े कितने यूजर के हिसाब से, और उनका पर पीस क्या कॉस्ट थी, ताकि अगर आप भी अपने ऑफिस में, घर पे, या कहीं पर भी नैस लगवाने का सोच रहे हो, ये वायरिंग करवाने का सोच रहे हो, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा प्राइस का। अच्छा, वायरिंग जो है ना वो हो चुकी है, बट भैया बताएंगे आपको कि कहां से कौन सी वायर कैसे जा रही है। तो नैस कहां लगेगा अपना, अच्छा मेन जो रैक है जिसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क और नैस इंस्टॉल होगी, ठीक है। स्विच तो यहाँ नहीं लगा रहे, ठीक है। यहाँ से क्या जा रहा है अपना, अपना एक नैश हो गया, यहाँ से एक अपलिंग जा रही है, केबल कहते हैं अपलिंग केबल, हाँ। और यहाँ पे जो है बट ये रैक लगेंगे यहाँ। अच्छा, ये रैक है, ये स्विच के लिए रैक अपना, हाँ ये स्विच के लिए रहेगा, बट ये यहाँ पे हैंग हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर वो अपलिंग केबल आई, अपलिंग आएगी यहीं से 10G स्विच लगेंगे। अच्छा, जो हमने 14 पोर्ट वाला 10G स्विच लिया वो यहाँ लगेगा, ठीक है। उससे फिर आप स्विच से 8 केबलें यहाँ निकाल रहे हो, और इसके अलावा और यहाँ से अपलिंग जा रही है, ये स्विच में से अपलिंग जा रही है, ठीक है। हाँ, स्विच के लिए यहाँ आएंगे। अच्छा, तो उस स्विच से एक और अपलिंग जा रही है यहाँ पे, एक और स्विच लगेगा 1G वाला 8 यूजर के लिए, और उन 8 यूजर में से 2 यूजर यहाँ बनेंगे और 4 यहाँ बनेंगे, ठीक है। और उसके अलावा मेरे कैबिन में कहाँ से जा रही है, अच्छा वही स्विच से एक केबल मेरे कैबिन से निकलते हुए जाएगी और मेरे टेबल तक यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो मेरे को भी 10G मिल रहा है, मतलब भी 10G मिल रहा है, ठीक है समझ गया। तो इस तरह से पूरी वायरिंग है। अब ये ऑफिस ना पहले से ही बना हुआ था, अगर हम न्यू कंस्ट्रक्ट करवा रहे होते ना तो वायरिंग आप अंडरग्राउंड या दीवार में से कर देते हैं ना, बट इस केस में हमें ओपन करनी पड़ रही है, तो ये पाइपों में सारी लाइन की केबलें जा रही है। बट कोई नहीं भाई, अभी ये पेंट वेंट होगा, मस्त इंटीरियर होगा, तो ये छुप जाएगी, बाद में भी आपको दिखाऊंगा कैसा लग रहा है पूरा सिस्टम जब सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। तो भाई जितनी भी केबल्स बिछानी थी ना वो बिछ गई आराम से, 2 दिन का टाइम लगा टोटल। अब बस वेट हो रहा था हमें कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑफिस में डिलीवर हो जाए। 3 days later तो वायरिंग हुए भाई, टोटल 3 दिन हो चुके, और आज काफी सारा सामान जो है डिलीवर हो गया है, जिसमें से अपनी नैस भी आ गई है और अपने स्विच हार्ड डिस्क सब आ गई है। तो इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो हमने भाई लिया QNAP की नैस, और ये वो छोटे वाले जो आते हैं ना सर्वर, वो नहीं लिया, बड़े वाला जो रैक आता है ना वो लिया है। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, फिलहाल इसको पहले अनबॉक्स कर लिया जाए। भाई साहब बहुत ह्यूज सा डब्बा है, हमें लगा नहीं था इतना बड़ा नैस होगा, वो देखना। अभी पूरी प्रोटेक्शन अच्छे से कर रखी है, फोम वोम लगा के, ताकि कुछ भी खराब ही ना आए। ये देखो भाई, अरे बहुत भारी है ये, क्या भाई साहब, अभी तो इसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह लगी भी नहीं है, जब सब कुछ लग जाएगा कितने किलो की, ओ भाई मिनिमम टू मिनिमम 20 से 22 किलो की होगी, बाहुबली बनना पड़ेगा मुझे इसके लिए। अभी इसको रखते हैं, और इसके नीचे देखो ये 2 डब्बे मिले हैं, जिसमें नैस से रिलेटेड ही कुछ, मतलब ये तो हो गया इसका पावर एडेप्टर जिससे पूरी कनेक्शन जाएगा, और यहाँ पे भाई एक और डब्बा दे रखा है, इसके अंदर क्या है। तो जैसे आपने ड्रॉर देखे होंगे उसको हम ऐसे खींचते हैं, उसके साइडों में स्लाइडर लगे होते हैं ना, तो उसी तरह से ये नैस के दोनों तरफ लगेंगे, ताकि जो रैक है ना हमारा सर्वर रैक, उसमें से नैस जो है वो अंदर बाहर हो सके। रैक कौन सा वो मैं दिखाऊंगा, वो तो बहुत ही यूज है भाई। ये सब कुछ भाई पैक कर देते हैं, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन करने आएंगे उनको वैसा का वैसे ही मिले जैसे करके गए थे। हमें भले ही भाई टेक की कितनी भी नॉलेज हो, बट इतना हार्डवेयर तगड़े लेवल की नॉलेज नहीं है कि हम इसको इंस्टॉल भी खुद कर ले। इसके लिए प्रॉपर टेक्नीशियन आते हैं कंपनी की तरफ से, वो सब कुछ सेटअप करके जाएंगे हमारे लिए। अब दिखाते हैं भाई आपको अपनी
QNAP की NAS, इसका जो एग्जैक्ट वेरिएंट है वो मैं नीचे स्क्रीन पर लिख दूंगा, बहुत बड़ा सा नाम था तो आप पढ़ के गूगल सर्च कर लेना। ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस है ना भाई NAS का वो है 3.5 लाख रुपए इतना ये यूनिट। इसके अलावा हार्ड डिस्क लगे, ये केबल मैनेजमेंट पूरी हो रही है, वायरिंग डल रही है, स्विच लग रहे हैं, सारा सेटअप का कॉस्टिंग एंड में बताऊंगा, मैंने इसका खाली आपको बता दिया। उम्मीद से भाई सही में बहुत भारी है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो QNAP की ब्रांडिंग दे रखी है, कुछ बटन दे रखे है। हमने तो भाई अपनी पूरी लाइफ में पहली बार NAS सामने से देख रहे हैं तो इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है। जो इंस्टॉलेशन करने आएंगे उनसे आपके लिए कुछ ना कुछ पूछवा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से 6, 6, 12 टोटल 12 स्लॉट दे रखे हमें 3.5 इंच वाली हार्ड डिस्क लगाने के, और बैक साइड में 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर ये लगाए हुए 2.5 इंच के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है SSD सीक्वेंस, मतलब इन वाले स्लॉट में हम SSD भी लगा सकते हैं। तो 12 आगे 6 पीछे 18 पोर्ट हो गए, बाकी ये पंखे वंखे क्योंकि भैया हीट बहुत जनरेट होगी, और ये अपने केबल लगाने के हो गए, यहाँ पर कुछ और पोर्ट्स हो गए। ये वाला जो मॉडल है ना भाई इसमें 20 TB तक की हार्ड डिस्क सपोर्टेड है, यानी कि अगर 12 स्लॉट है हमारे पास तो हम 12 20 20 TB की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और 240 TB तक का डेटा इसमें सेव कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत महंगी पड़ती है हार्ड डिस्क। बट अभी हमने जो है वो 100 TB की स्टोरेज बनाई है, 108 TB की। तो बट इसके बाद भी जब 240 TB भी भर जाएगी ना भाई, हम इसका एक्सपेंशन भी NAS ले सकते हैं, इसलिए हमने ये रैक वाली NAS चूज करी है, ना कि वो छोटे छोटे प्री बिल्ड जो बन के आते हैं। अब मैं आपको हार्ड डिस्क दिखाता हूँ। NAS को भाई हमने पैक कर दिया, अब आपको दिखाते हैं भाई एक और कीमती सामान जो कि क्या है, हार्ड डिस्क। इस डब्बे में जो सामान है ना भाई थोड़ा नाजुक है तो बिल्कुल प्यार से निकालना पड़ेगा क्योंकि है भी महंगा। तो ये है भैया जो हमारे NAS के अंदर लगने वाली है हार्ड डिस्क, WD की अल्ट्रा स्टार इंटरप्राइज 20 TB 20 TB भाई, मतलब की हो गया 20,000 GB की एक हार्ड डिस्क है ये। और इसका प्राइस बताऊं तो भाई ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज की एक हार्ड डिस्क पड़ती है। अब आपको मैं अगर थोड़ा अंदाजा दूं ना तो हमारी जो 4 TB वाली हार्ड डिस्क आती है एक्सटर्नल वाली वो आती है 8,000 रुपए की, और ये जो है भाई 4 TB हमें पड़ रही है ऑलमोस्ट लगभग 10,000 रुपए की पड़ती है इसके अकॉर्डिंग। बट ये खाली हार्ड डिस्क काम नहीं आएगी ना, पूरा NAS का सेटअप, वायरिंग का सेटअप वो कितना है वो एंड में बताएंगे। तो इसी तरह से हमने अभी 7 हार्ड डिस्क लिया जो इस डब्बे में है, और इसको बहुत संभाल के वापिस से रखना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा टकराई टुकड़ूगी तो प्रॉब्लम हो सकती है हार्ड डिस्क को। वैसे WD इनकी 5 साल की वारंटी देता है, बट स्टिल हमें अपने साइड से थोड़ा सेफ रहना है। तो 20 TB × 7 यानी कि 140 TB हो गई, और हम जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई RAID 5। RAID 5 होता क्या वो मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बट एक्चुअल में ये 140 TB में से हमारे पास 108 TB ही यूजेबल रहेगी। उसके पीछे का फंडा थोड़ा टेक्निकल डिटेल है, वो आराम से समझाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में हमने अभी 20 20 TB की 7 हार्ड डिस्क मंगवाई थी, यानी कि टोटल 140 TB, बट हमने सोचा भैया अपनी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो कम से कम 200 TB कर लिया जाए, तो इसलिए हमने भैया 6 हार्ड डिस्क और ऑर्डर कर दिया 20 20 TB की, यानी कि अब टोटल जो है अपना 260 TB का डेटा बनेगा, जिसमें से यूजेबल अराउंड 200 TB से प्लस ही रहेगा थोड़ा सा। वो फंडे के बारे में आगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और अभी भाई ऑफिस का काम चल ही रहा है इसलिए इतना गंद मचा हुआ है, देखना यहाँ पर इतना गंदा है, नीचे फ्लोरिंग सारी गंदी है, पेंट होना है अभी पूरे उसमें, और अपनी NAS पहले ही आ गई। बट कोई नहीं, अभी हम इसे इंस्टॉल नहीं करवाएंगे, पहले सारा पेंट वेंट होगा पूरे ऑफिस का, फिर इंस्टॉलेशन होगी। अभी सामान आ गया, इसको सेव स्टोर कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई स्विच। ये है भाई नेटगियर बिजनेस की तरफ से आने वाला 12 पोर्ट वाला 10 गीगाबिट स्विच। क्योंकि हम NAS लगवा रहे हैं भैया वीडियो एडिटिंग के लिए, तो हमारे जो एडिटर्स है ना वो डायरेक्टली NAS के थ्रू ही एडिटिंग भी करेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली भाई जो बीच का स्विच है वो भी 10G वाला ही होना चाहिए, 1G वाले में फिर फायदा क्या हुआ इतनी महंगी NAS लेने का और वायरिंग करवाने का। अब ये हमें खाली 12 पोर्ट का पड़ा है, जिसमें से हमारा यूजेबल 10 पोर्ट ही रहेंगे, 1,40,000 रुपए का। नॉर्मल स्विच जो है भाई वो 2-3 हजार रुपए के आते हैं, 5,000 का होगा 1G वाला, बट ये 10G होने की वजह से 1.5 लाख रुपए सीधा छप्पड़ फाड़। इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे भाई, मतलब करेंगे भी तो आपको दिखाएंगे क्या ही, उससे अच्छा वो खुद इंस्टॉलेशन वाले अपने आप करके सेटअप कर देंगे। अब ये सारा सिस्टम जो है वो ऐसे ओपन में तो रख नहीं सकते ना, किसी रैक में तो बनेगा ही, इसके लिए आते भाई इतने बड़े बड़े सर्वर रैक। तो यहाँ पर अपनी जो है NAS पूरी घुसेगी और अंदर ही पूरी वायर छुप जाएगी, बाहर हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देख रहे हो इतना बड़ा रैक है, ये 38U है शायद से, या फिर 28U है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। और ये खाली लोहे का रैक रहेगा 40,000 रुपए का, तो बताओ। तो NAS में भैया सेटअप में खर्चा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे कि अभी ये स्विच बोर्ड वगैरह अलग ही बनते हैं इसके, देखो 5-6 सॉकेट का, ये भी 5-6 हजार रुपए से कम नहीं होगा। तो बहुत खर्चा है, बट कोई नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमारी हार्ड डिस्क की सारी नीड खत्म हो जाएगी, स्पेशली जो हमारा डेटा करप्ट
पर अपने मतलब हार्ड डिस्क खराब होती तो डेटा भी चला जाता, तो वो इसमें सेफ रहेगा। किसकी वजह से? रेड 5 की वजह से, वो बताऊंगा। अब बात करते हैं भाई, ये जो मैं पूरी वीडियो में रेड बोले जा रहा हूँ कि है तो हमारा 140 टीवी बट यूज कर पाएंगे 100 टीवी, उसका क्या फंडा है? तो देखो, रेड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपकी ना एक हार्ड डिस्क, हमने जैसे अपने नैस में रेड 5 लगवाया, यानी कि टोटल 7 हार्ड डिस्क जो है उसमें से हमारी एक हार्ड डिस्क जो है ना भाई वो बैकअप के लिए यूज होगी। टोटल आप लगा लो 6 में से एक तो गई, वो है बैकअप के लिए, कल को कोई भी डेटा करप्ट होता है, कोई भी हार्ड डिस्क खराब होती है, तो सारा डेटा ना हमारी वो एक्स्ट्रा वाली हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा, तो हम डेटा खोने की टेंशन खत्म। इन शॉर्ट, 7 में से एक हार्ड डिस्क समझ लो आपने बैकअप के लिए अलग से रख दी, वो हम यूज नहीं करेंगे, जब कभी रिक्वायरमेंट होगी तब यूज होगी। इसके अलावा भाई 6 हार्ड डिस्क है, 6 हार्ड डिस्क यानी 20 टीबी की, बट 20 टीबी में से ना कुछ टीबी हमारा वेस्ट रहता है, जैसे अगर आप कोई पेन ड्राइव भी लेते हो 16 जीबी की, तो उसमें से 14 पॉइंट कुछ जीबी ही तो यूजेबल होती है ना, उसी तरह से 20 टीबी की हार्ड डिस्क में से हमें 18.15 टीबी जो है वो यूजेबल मिली है। तो अगर आप 18.15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 109 यानी 109 टीबी का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, जबकि हार्ड डिस्क थी भाई टोटल 140 टीबी की, तो ये बचा हुआ जो 31 टीबी है ना वेस्ट है, वेस्ट नहीं मतलब यूज ही आएगा कभी, बट एक्चुअल जो स्टोरेज है वो अभी हमारे पास 109 टीबी की है, और 6 हार्ड डिस्क जब और आ जाएगी तो मोटा मोटा 220 टीबी के आसपास हमारे पास यूजेबल रहेगा। भैया वायरिंग से लेके कंप्लीट सेटअप यूजर यूजर बनाने में 10 से 15 दिन का टाइम जा चुका है। क्यूनैप की तरफ से जिनसे हमने खरीदी है उन्हीं के टेक्नीशियन हमारे ऑफिस में कम से कम 10 बार आए होंगे। तो ये है भाई अपना प्रॉपर नैस का सेटअप, यानी कि अपना सर्वर इतनी बड़ी मशीन के अंदर पैक्ड है ये, और आवाज भी आपको बहुत आ रही होगी क्योंकि इसको प्रॉपर भैया एयर वेंटिलेशन चाहिए, तो पंखे वंखे चल रहे हैं ना उसकी आवाज है। तो अभी आप सोचोगे इतना बड़ा ये रैक क्यों लिया, जबकि हमारा जो नैस है वो तो इतना सही है। एक्चुअल में भाई हमने फ्यूचर को देखते हुए लिया, अब और इससे ज्यादा भी हम स्टोरेज इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब सोचो 200 टीवी का हम और बढ़ा पाएंगे, टोटल 1600 टीवी तक जा सकते हैं इस रैक में। तो इसलिए हमने फ्यूचर के हिसाब से भाई बड़ा रैक लिया ताकि ज्यादा सामान आ सके बाद में भी। और ये अपनी मेन नैस आपको मैं दिखाई चुका हूं, जहां जहां पे ये ग्रीन लाइट चल रही है ये हार्ड डिस्क इस टाइम पे एक्टिव है, और एक साथ सारी हार्ड डिस्क काम कर रही है, मतलब अगर 7 हार्ड डिस्क है तो सातों भाई एक टाइम पे काम कर रही है, सोचो क्या सही चीज है। बाकी वायरिंग वगैरह सारी पीछे हो रखी है, और ऊपर की तरफ इसका यहाँ पर फैन लगा हुआ है जो हवा को मतलब बाहर फेंकता है यहाँ से। तो इसको भैया अभी लॉक कर देते हैं अच्छे से, साथ ही में ये पावर बैकअप के लिए, क्योंकि भैया अगर लाइट जाती है तो इन्वर्टर कहीं ना थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, तो इसके लिए हमने ऑनलाइन UPS लगा रखा है अपने सर्वर के लिए कि जैसे ही लाइट कट हो एकदम से ये UPS जो है इसको पावर देने लग जाए, तो हमारी नैस बंद ना हो, कॉन्टिन्यूस 24 आवर्स चलती रहे। एक और चीज भाई, गर्मी हो चाहे सर्दी हो अपने नैस को प्रॉपर ठंडा एनवायरमेंट चाहिए, जिसके लिए भाई दिसंबर के महीने में भी AC ऑन कर रखा है, हमें ठंड लग रही है बट नैस को गर्मी बहुत लगती है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पूरे ऑफिस में हमने 10G की Cat6A की केबल्स बिछवाई थी, तो इस तरह से हमें जो है वो केबल्स हर एक वर्क स्टेशन पे मिल जाएगी, जो हम PC से कनेक्ट करके भाई वो 200 टीवी स्टोरेज अपने PC में यूज कर सकते हैं एज अ इनबिल्ट स्टोरेज। सोच रहे हो एक PC की कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ गई है। बट अब फाइनली भैया टेस्टिंग कर लेते कि एक्चुअल में ये जो NAS है वो एक इंटरनल SSD जितनी स्पीड हमें दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, और जो हमारी नीड थी ना कि भैया एक ही जगह पे सारा डेटा और उसी से सारे लोग एक्सेस कर पाए LAN केबल के थ्रू, वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, स्पीड टेस्ट करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, सब करके देखेंगे। फटाफट से ना नीचे ऑफिस चलते हैं, मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई। सबसे पहले भाई स्पीड टेस्ट करते हैं, ये हमने WD की 5 TB की हार्ड डिस्क ले लिया एक्सटर्नल वाली और सॉफ्टवेयर खोल लिया यहाँ पर, लेट्स सी कितना राइट एंड रीड स्पीड मिलेगी। राइट स्पीड दिखा रहा है लगभग भाई 40-50 MBPS, एंड सेम टू सेम भाई रीड स्पीड भी वही अराउंड 50 MBPS आ रही है। अब टेस्ट करते हैं भाई अपनी नैस कितनी रीड एंड राइट स्पीड निकाल रही है। ओ भाई साहब, रीड आ रही है 854 MB और राइट तो और 1000 MBPS ऊपर चली गई भाई साहब, यानी भाई नॉर्मल जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है ना उससे 20 गुना ज्यादा स्पीड मिल रही है हमें रीड एंड राइट दोनों। अब ये भाई हमारे पास टोटल 18 GB की एक फाइल है यहाँ पर, आप देख सकते हो 18.52 GB, इसको भाई कॉपी करके देखते हैं अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेज में। सबसे पहले है हमारे पास वही WD की 5 TB वाली हार्ड डिस्क, देखते हैं भाई इतनी बड़ी फाइल कितने सेकंड्स में जो है वो कॉपी होगी। शुरू हो चुका है भाई ऑलमोस्ट, कितना अभी यहाँ आ गए देखो, तो हमारे इसमें तो दिखा रहा है अभी 4 मिनट 18 GB की फाइल को होने में, बट एक्चुअल में कितना होगा वो आप यहाँ देखना। ऑलमोस्ट भाई हमारे मैक स्टूडियो ने भी 5 मिनट ही दिखाया था, और 5 मिनट यहाँ स्टॉप वॉच में भी होने वाले है, और 10-9 सेकंड में अपना जो है कॉपी पेस्ट का सारा काम खत्म। लो भाई 18.5 GB की फाइल को ट्रांसफर होने के लिए एक हार्ड डिस्क में लगे 5 मिनट 11 सेकंड। अब भाई सेम फाइल को ना मैक स्टूडियो से ट्रांसफर करके देखते हैं इस सैमसंग की T7 SSD में, लेट्स सी भाई इसमें कितना टाइम लगता है। ओ भाई
इसमें तो हमारा मैक्स स्पीड दिखा रहा है लगभग 1 मिनट, यानी 5 गुना स्पीड का फर्क है SSD और हार्ड डिस्क की स्पीड में। ओ भाई ये तो 1 मिनट भी नहीं लग रहा मुझे, 30-40 सेकंड में लग रहा है हो जाएगा, बहुत तेज बढ़ रही है ये भी। लो भाई लो, होने ही वाला है ये, बस 3-4 सेकंड और डन भाई। 37 सेकंड यानी कि 5 मिनट उसमें और इसमें 37 सेकंड, कितना फर्क हो गया भाई, लगभग 8-10 गुना का। चलो जी अब चेक करते हैं अपनी नैस में सेम फाइल को कॉपी करके, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। सेम फाइल है 18.5 GB की, तो अरे अरे ये तो उससे भी तेज है भाई, देख रहे हो अभी से ही 10 सेकंड दिखाना शुरू कर दिया इसने, और यहाँ भी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 20 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए। बस 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 हो गया भाई, 18.72 सेकंड भाई साहब, खतरनाक स्पीड मिल रही है। अगला एडवांटेज है भाई की एक ही नैस में ना हमारा सारा डेटा स्टोर है, एंड जितने भी यहाँ पे एडिटर्स बैठे हैं ना भाई, वो एक ही प्रोजेक्ट को अलग अलग 4-5 एडिटर या जितने भी एडिटर एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लो राहुल यहाँ पे अनमोल जायसवाल की मेरी कोई वीडियो एडिट कर रहा है, अब राहुल कल छुट्टी पर रहता है, मैं किसी और को वो काम दे देता हूँ, तो वो बंदा अपने ही PC से सेम प्रोजेक्ट को खोल के एडिट कर पाएगा। तो जो भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना भाई, वो एक टाइम पे 4-4, 5-5 लोग कर रहे हैं, जल्दी नहीं पड़ जाएगा, तो ये एडवांटेज है। और स्पीड भी सबको इक्वल मिलेगी, क्योंकि भाई जो सारा डेटा है ना वो तो हमारे नैस में स्टोर है, इसलिए एक्सेस उसको कोई भी कर सकता है, मतलब जिन जिनको हमने परमिशन दे रखी है उन डेटा को एक्सेस करने की। सेकंड भाई टेस्ट करते हैं गेमिंग का। अब हमने जितनी भी हमारे पास गेम्स थी ना भाई, जिस भी अकाउंट्स में, वो सारी की सारी हमने इंस्टॉल कर दिया भाई अपने सर्वर यानी नैस के अंदर, और वो सारी गेम्स को भाई हम जितने भी यहाँ पे सिस्टम है ना जो कैपेबल है उन गेम्स को रन करने में, उनमें कहीं पे भी खेल सकते हैं। सिर्फ हमें अपना रॉकस्टार लॉन्चर या स्टीम का आईडी पासवर्ड डालना है और उस गेम को एक्सेस कर सकते हैं, बिना वापस से डाउनलोड करो इंस्टॉल करो वो सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपने सर्वर पे पड़ी है, बस सीधा हमें लॉग इन करके इंजॉय करनी है। जैसे कि इस वाले PC में हमने GTA 5 को जो है रन कर दिया, लेट्स सी कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो ये देखो भाई हमारा PC क्योंकि कैपेबल था इसको चलाने पे, और 4K लेवल पे वो भी GTA 5 आराम से रन कर रही है, क्योंकि वैसे प्रोसेसिंग तो सारी हमारे PC की यूज हो रही है, बस हम LAN केबल के थ्रू अपने NAS से डेटा उठा रहे हैं और इस PC में रन कर रहे हैं। तो अब हमें बार बार हर सिस्टम में अलग अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में इंस्टॉल पड़ा हुआ सब कुछ, बस PC कनेक्ट ही है, किसी में भी हम लॉग इन करके खेल सकते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। देख रहे हो कितनी स्मूथ है भाई, बिल्कुल भी लैग वैग फेस नहीं करना पड़ रहा अच्छे खासे। अभी FPS काउंटर हमने लगा नहीं रखा, बट जितने FPS ये PC निकाल सकते हैं ना भाई उतने ही नहीं निकालेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि NAS के थ्रू चल रही है तो स्पीड स्लो आएगी या गेम अटकेगी, वैसा कुछ नहीं है, स्मूथ एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा। तो ये थी भाई हमारी ऑलमोस्ट 12-12.5 लाख रुपए की NAS, जिसमें हम 200 TB तक का डेटा स्टोर कर पाएंगे। कैसी लगी आपको वीडियो बताना, और आप में से भी अगर कोई खरीदने की सोच रहा है तो वो भी हमें बताना, हम भी जरा देखना चाहते हैं इंडिया में कितने लोगों के पास NAS है। बाकी भैया चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर देना, इतना खर्चा सिर्फ यूट्यूब के लिए ही हो रहा है कि अच्छे से हमारी बढ़िया प्रोडक्शन लेवल की वीडियोस आ सके। सेटअप भी आप देख रहे हो मस्त बना दिया अब तो इसलिए भैया सब्सक्राइब करके 1 मिलियन करवा दो, अपना गोल्डन प्ले बटन आ जाए। बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी बाय।